देखो बच्चों, ये जो पद था ये यज्ञ द्वारा रचित है। मुझ पर एक छोटी सी त्रुटि हो चुकी है कि मैंने अज्ञ के स्थान पर सुमित्रानंदन पंत का नाम ले दिया था और उसका बोर्ड पर भी सुमित्रानंदन पंती लिख दिया है, तो इसको सुमित्रानंदन पंत का पद नहीं समझें, ये अज्ञ द्वारा रचित पद है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वह बीए पार्ट फाइनल की पुस्तक है कविता पथ, और उसमें सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित एक पद्य है। वो पद्य शीर्षक भीतर जागा दाता शीर्षक से लिया गया है। उस पद का हम भावार्थ करेंगे कि उस पद के अंदर क्या है, भीतर जागा दाता शीर्षक से क्या अभिप्राय है। तो देखो, पहले हम इस पद को पढ़ते हैं, इसके कुछ कठिन शब्दार्थ होंगे तो हम बताएंगे। मति माया सागर लहराया, मति माया सागर लहराया, तरंग की पंख युक्त वीणा पर पवन ने भर उमंग से गाया। मति माया सागर लहराया, तरंग की पंख युक्त वीणा पर पवन ने भर उमंग से गाया। फेन झालरदार मखमली चादर पर मचलती, फेन झालरदार मखमली चादर पर मचलती, किरण अप्सराएं भारहीन पैरों से थिरकी। फेन झालरदार मखमली चादर पर मचलती, किरण अप्सराएं भारहीन पैरों से थिरकी। जल पर आलते की छाप छोड़ पल पल बदलती, जल पर आलते की छाप छोड़ पल पल बदलती। दूर धुंधला किनारा झूम झूम आया डगमगाया किया, झूम झूम आया डगमगाया किया। मेरे भीतर जागा दाता बोला, लो ये सागर मैंने तुम्हें दिया, लो ये सागर मैंने तुम्हें दिया। देखो पहले इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। एक बात ही मति माया शब्द आया है। मति माया शब्द का अर्थ होता है मदमस्त। मति माया शब्द का अर्थ क्या होता है? मदमस्त होता है। पवन आप जानते ही हैं, पवन वायु को कहते हैं। आलते शब्द आया है। आलते का मतलब होता है गीलापन। और इसमें ऐसा कोई कठिन शब्दार्थ नहीं आया। मति माया मदमस्त होता है, पवन वायु आलते माने गीलापन। तो देखो ये जो पद है इस पद का हम अर्थ करते हैं। देखो ये प्रस्तुत अवतरण है यज्ञ द्वारा रचित भीतर जागा दाता शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। इसमें जो सागर है समुद्र है उसका प्रतीकात्मक चित्रण करते हुए इसमें अपने हृदयगत भावों का दर्शाया है। जो हमारे अंदर हृदयगत भाव हैं उन सभी के सामने उनको जाहिर किया है। तो देखो कवि वर्णन करते हुए क्या कहते हैं। इसमें कवि सुमित्रानंदन पंत जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सागर होता है, सागर मति माया सागर लहराया, तरंग की पंक्तियुक्त वीणा पर पवन ने भर उमंग से गाया। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सागर की जो बहुत ऊंची ऊंची तरंगें हैं उन तरंगों से मदमस्त सा होता हुआ सागर है, जो सागर बहुत ऊंची ऊंची तरंगों से मदमस्त होकर के लहराया, और सागर की जो उठती हुई तरंगें हैं
उनके टकराने से जो स्वर लहरी गूंजने लगी, जो स्वर लहरी उनकी जो ध्वनि है वह गूंजने लगी, तो ऐसा लगा कि मानो तरंग रूपी पंखयुक्त वीणा पर, मानो तरंग रूपी पंखयुक्त वीणा पर वायु ने अर्थात पवन ने उमंगों से भरकर मधुर स्वर में गाया हो। ऐसा लगता है जैसे कि तरंग रूपी जो पंखयुक्त है, तरंग रूपी पंखयुक्त वीणा पर पवन ने उमंग से भर करके और मदमस्त होकर के मधुर स्वर में गाया है। कवि का कहने का भाव ये कि तरंगों का जो स्वर है वह वायु के प्रवाह से चारों ओर फैल गया था, वायु की तीव्र गति से वह चारों ओर फैल गया था। समुद्र का प्रभाव, फेन झालरदार मखमली चादर पर मचलती किरण अप्सराएं भारहीन पैरों से थिरकी, जल पर आलते की छाप छोड़ पल पल बदलती दूर धुंधला किनारा। कवि कहते हैं कि जो सागर की सफेद, सागर का जो सफेद फैन होता है, उस सफेद फैन रूपी झालर वाली जो मखमली एवं एक कोमल पतली चादर होती है, कोमल पतली चादर पर सूर्य की किरण रूपी अप्सराएं नाचने लगी हों। जो समुद्र में जो झाग होता है सफेद रंग का और उसकी जो सूर्य की किरण उस पर पड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर अप्सराएं नाच रही हों। उनके पैर एकदम, उन अप्सराओं के पैर एकदम भारहीन होने से मचलने लगे और सागर के जल पर अपनी जो चमकती हुई गीली छाप को छोड़कर वे हर क्षण 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 वे अपना रूप बदलने लगी। जो किरण है फैन पर पड़ रही थी तो वे अपना रूप बदलने लगी। इससे क्या है कि समुद्र का जो दूर तक दिखाई देने वाला जो किनारा था, तट था, समुद्र का दूर दूर तक दिखाई देने वाला तट था, वो किनारा कुछ धूमिल सा बढ़ गया था। झूम झूम आया डगमगाया किया मेरे भीतर जागा, दाता बोला लो ये सागर मैंने तुम्हें दिया। उसका जो किनारा था वो धूमिल से पड़ गया था और लहरों के कारण वह झूमता हुआ सा, हिलता डुलता सा प्रतीत हो रहा था। और वह उस समय जो समुद्र की लहरें थी, उस लहरों की ऐसी तरंगों से युक्त हलचल को देख करके कवि जो पंत हैं वे कहते हैं कि मेरे हृदय में जो ये भावना जागृत हुई है, मेरे हृदय में एक भावना जागृत हुई है और मैं बोलता हूँ कि सागर हमें कितना सुरम्य प्रवेश देता है। कवि कहता है कि ये सागर है जो हमें कितना सुंदर प्रवेश, कितना सुंदर वातावरण हमें देता है, ये कितना हमें खुश करता है, कितना हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो ये सागर हमें इतना अच्छा प्रवेश देता है, इतना अच्छा वातावरण बना देता है। अतः हमें भी सागर को कुछ देना चाहिए। हे सागर मैंने तुम्हें अपने हृदय के भाव अर्पित कर दिए, अर्थात मैं अपने हृदय के भावों को समर्पण करता हूँ। तो देखो, इसमें समुद्र के प्रति कवि ने अपने हृदय भावों को समर्पित किया है। इसमें रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। देखो बच्चों, ये जो पद है ये नेक्स्ट पद है उसका, भीतर जागा दाता शीर्षक कविता से जो का नेक्स्ट पद है, इस पद को हम पढ़ते हैं। देखो, हरियाली बिछ गई तराई पर घाटी की पगडंडी,
हरियाली बिछ गई तराई पर, घाटी की पगडंडी लजाई और ओट हुई। हरियाली बिछ गई तराई पर, घाटी की पगडंडी लजाई और ओट हुई, पर चंचला रह न सकी फिर उसकी ओर झांक गई। पर चंचला रह न सकी फिर उसकी ओर झांक गई, छरेरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी, आकाश की भाल पर जय तिलक आंख गई। छरेरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी, आकाश की भाल पर जय तिलक आंख गई। गेहूं की हरी बालियों में से कभी राई की उजली, कभी सरसों की पीली, फूल ज्योत्सना दिप गई। कभी राई की उजली, कभी सरसों की पीली, फूल ज्योत्सना दिप गई। कभी लाली पोस्ते की सहसा चौंका गई, कभी लाली पोस्ते की, कभी लाली पोस्ते की सहसा चौंका गई, कभी लघु नीलिमा तीसी की चमकी और छिप गई। मेरे भीतर फिर जागा दाता, और मैंने फिर नीरव संकल्प किया, लो ये हरी भरी धरती, ये सवत्सा काम धेनु मैंने तुम्हें दिया। देखो इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, चंचला, चंचला आप जानते ही हैं, चंचला का अर्थ होता है बिजली, छरेरी का मतलब होता है पतली और लंबी, पतली और लंबी होती है छरेरी। ज्योत्सना कहते हैं चांदनी को या आभा, नीरव कहते हैं शांत चुपचाप, और सवत्सा कहते हैं बछड़े सहित। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं, चंचला बिजली, छरेरी पतली लंबी, ज्योत्सना चांदनी आभा, नीरव कहते हैं शांत, सवत्सा कहते हैं बछड़े सहित। तो देखो मैं इसका अर्थ करके सुना देता हूं। देखो बच्चों, ये जो अज्ञ द्वारा रचित पद है इसका मैं अर्थ करता हूं। हरियाली बिछ गई तराई पर, घाटी की पगडंडी लजाई और ओट हुई, पर चंचला रह ना सकी फिर उसकी ओर झांक गई। छरेरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी, आकाश के भाल पर जय तिलक आंख गई। तो देखो ये जो पद अज्ञ द्वारा रचित है, ये नेक्स्ट पद है, अभी पढ़ाया उसी का। तो ये भीतर जागा दाता शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें प्रकृति द्वारा धरती पर जो हरियाली फैलाई गई है उसे लक्ष्य करते हुए कवि अपनी हृदय के भावों को व्यक्त करता है। कवि यज्ञ कहते हैं कि धरती के मैदानी भागों में हरियाली बिछ गई है, घाटी की पगडंडी भी हरितमा से इतनी आच्छादित हो गई थी। कवि कहता है कि धरती पर मैदानी भागों में हरियाली बिछ गई है, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा गई है, और घाटी जो कि पहाड़ी भाग होते हैं उनके पास में घाटी, जो घाटी की पगडंडी भी हरितमा से इतनी आच्छादित हो गई, इतनी छा गई है, वो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई है कि वह दूर से स्पष्ट भी नहीं दिखाई देती है। जो पगडंडी है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि प्रकृति ने उस हरियाली से उसको ढक दिया है। तो ऐसा लगता है मानो पगडंडी रूपी कोई नव युवती लजा करके, शर्म करके और छिप गई हो। जैसे कोई नवयुवती लजा करके, ये शर्म करके छिप गई हो, परंतु उसकी सुंदरता को देखने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए पर चंचला रह ना सकी फिर उसकी ओर झांक गई। पर उसकी सुंदरता को देखने के लिए बिजली स्वयं को रोक नहीं सकी और वह अचानक से चमक उठी। झरे छरेरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी, आकाश के भाल पर जय तिलक आंख गई।
जो बिजली थी वो अचानक से चमक उठी, ऐसे लगता है जैसे उजकती हुई उसकी ओर झांक रही हो, उजक करके उसकी ओर झांक रही हो। तो पतले और जो कम टहनियों वाले जो लंबे पेड़ हैं, उस पेड़ पर निकली हुई नई डाली, नई नई डालियां हैं जो आकाश के भाल पर, आकाश के भाल के मध्य में जय सूचक चिन्ह की तरह दिखाई देने लगी है। जैसे आकाश के भाल पर जय सूचक चिन्ह लगा हुआ हो ऐसा लग रहा है। इस तरह ये जो प्राकृतिक वातावरण है वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है, अत्यंत शोभायमान हो रहा है। गेहूं की हरी बालियों में से कभी राई की उजली, कभी सरसों की पीली फूल ज्योत्सना दिप गई। कभी वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेतों में जो गेहूं की हरी भरी बालियों के आसपास कभी राई की सफ़ेद एवं और कभी सरसों की पीली चमक वाले फूलों की कांति, जो चमक वाले फूलों की कांति है वो दिखाई देने लगती है। कभी कहते हैं गेहूं की हरी भरी बालियों के आसपास कभी राई की, कभी सरसों की सफ़ेद, सरसों की पीली आवा, पीली चमक, फूलों की कांति और उसका प्राकृतिक सुंदर वातावरण दिखाई देने लगता है। देखो खेतों में कभी राई की उजली, कभी सरसों की पीली फूल ज्योत्सना दिप गई, कभी लाली पोस्ते की सहसा चौंका गई, कभी नीली लाल नीलिमा तीसी की चमकी और छिप गई, मेरे भीतर फिर जागा दाता। कभी कहते हैं कि किसी खेत में पोस्ते के जो फूल होते हैं उन फूलों की लालिमा अचानक से स्वाभाविक रूप से चमकने लगी, आलोकित होने लगी। इसी प्रकार कभी छोटी बड़ी तीसी या अलसी के पुष्पों की चमक दिखाई देने लगी। सहसा ओझल भी होती रही है, मतलब जो भी वो खुशबू है या फिर उसकी चमक है वो कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है, कभी दिखाई देती है और कभी गायब हो जाती है। तो इस प्रकार धरती पर जो प्राकृतिक वातावरण है धरती का वो बहुत ही शोभायमान एवं हरितमा जो चारों तरफ फैली हुई है, उसकी जो हरियाली है वो चारों तरफ फैली हुई है, उसे देखकर कवि के हृदय में ये विचार जागृत होता है कि धरती बिना मांगे ही हमें कितना दे देती है, धरती बिना मांगे ही हमें कितना दे देती है, ये कितनी उदार भाव रखती है। और मैंने फिर नीरव संकल्प किया, लो ये हरी भरी धरती, ये समत्सा कामधेनु मैंने तुम्हें दिया। कवि कहते हैं कि हृदय में जो अपना उदार भाव जागृत करता है और उदार भाव से कहता है कि जब धरती हमें इतना सब कुछ दे डालती है बिना कुछ कहे, तो हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। इसीलिए मैं भी इस हरी भरी धरती को अपने बछड़े सहित कामधेनु कहते हैं, अर्थात अपनी जो मनोकामनाएं पूरी करने वाली जो गाय है, उस गाय रूपी पवित्र भावों को, अपने हृदय के भावों को मैं अर्पित करता हूं। कभी अपने हृदय के भावों को समर्पित करता है इस धरती के लिए, जो धरती हमें इतना कुछ देती है उसके बदले में कभी क्या करता है, अपने जो भाव हैं हृदय में जो भाव जागृत हुए उनको वह अर्पित कर देता है। तो इसमें धरती की उदारता दिखाई गई है, उदार भावना को दर्शाया गया है और इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया गया है।